शक्तिला एकादशी व्रत कथा। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा, हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्मादि महान पाप करते हैं, पराय धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नर्क प्राप्त नहीं होता, इसका क्या कारण है? वे ना जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं, ये सब कृपा पूर्वक कहिए। पुलस्त मुनि कहने लगे, हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है, इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको ये गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा, माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए, इंद्रियों को वश में कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाना चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करें और एकादशी व्रत धारण करें। रात्रि को जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्ध देकर स्तुति करनी चाहिए। इसके पश्चात जल से भरा घड़ा ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को श्यामा गौ और तिल पात्र देना भी उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही हजार वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिल का दान, ये तिल के 6 प्रकार हैं। इनके प्रयोग के कारण ये षट तिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस्त ऋषि कहने लगे, अब मैं तुमसे इस एकादशी की कथा कहता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से यह प्रश्न किया और भगवान ने जो षट तिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा वो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा, हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह एक मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी तब भी उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज, किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबरा कर वह मेरे पास आई और कहने लगी, भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य है, इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए, पहले उनसे षट तिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने का कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो षट तिला एकादशी का महत्व मुझसे कहो। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी, मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने शक्तिला एकादशी का महात्म्य सुना तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि ना तो वह गांधर्वी है और ना आसुरी है, वरन वह पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथनानुसार शक्तिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई और उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर शक्तिला एकादशी का व्रत और लोभ ना करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता और अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है।